उत्तराखंड पशुपालन हिंदू संगठन ने वैदिक जल विद्युत निगम की भूमि से अवैध अतिक्रमण मामले में अब मिशन भी मैदान में आ गए हैं। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ अवैध अतिक्रमण कार्यों के समर्थन में कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मी अंदाज में वैदिक मिशन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मीडिया से बात करते हुए वैदिक मिशन संगठन के अध्यक्ष जगबीर सैनी ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन अवैध अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा, तो ऐसे में शासन प्रशासन की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सफेदपोश वोट बैंक के लिए मात्र राजनीति कर रही है और कहा कि सफेदपोशों के दबाव में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकी जा रही है। वहीं अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। विकासनगर से जय सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कुछ परिवारों को जिनकी संख्या सैकड़ों में है, नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके मकानों का अतिक्रमण कर दिया जाए। उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब एक मकान बनता है तो उस मकान को एक पानी का कनेक्शन, एक बिजली का कनेक्शन, एक सड़क, ये व्यवस्था सरकार करती है। इसका मतलब सरकार उस मकान के अस्तित्व को स्वीकार करती है। यहाँ ऐसे प्रकरण भी हैं जिनकी सूची हमने एकत्रित की है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए, शौचालय दिए गए, तो जब सरकार ने उनके इस अधिकार को स्वीकार कर लिया, उनको राशन कार्ड दे दिया, उनको एक वोटर आईडी कार्ड दे दिया, उनको एक स्वास्थ्य कार्ड दे दिया, तो अचानक उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो इल्लीगल एनक्रोचर।